तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शिवी के क्यूट मोमेंट्स। तो ये वाली वीडियो शिवी मोमेंट्स के लिए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो मेरी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं शिवी के आज के मोमेंट्स की तरफ। तो आज के शिवी के मोमेंट्स हैं बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारे। हालांकि हमें उनको नोकझोंक नहीं देखने को मिली, थोड़ी सी नोकझोंक मिलेगी आप लोगों को देखने को आज के एपिसोड में। जब शिवा मंदिर गया रहता है और मतलब पूजा करता रहता है, भोलेनाथ से बातें करता रहता है, फिर उस मतलब तभी वहां पे रावी भी पहुंच जाएगी। रावी अपने बर्थडे के लिए मतलब सुबह सुबह पूजा करने के लिए गई है, क्योंकि उसका बर्थडे है। तो मतलब जब वो भगवान से मांगती है कि कुछ उसके लिए अच्छा दे दो, अच्छा मतलब वो उसके लिए जो सबसे बेस्ट हो वो उसके सामने आए, वो उसको मिले। तो जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, तो उसके सामने और कौन, शिवा मतलब उसके लिए तो बेस्ट एंड बेस्ट है, मतलब शिवा ही बेस्ट है। तो उसके सामने शिवा रहता है, तो वो उसे देखती रह जाती है कि ऐसे कैसे, मतलब उसने अभी मांगा और शिवा सामने। फिर फाइनली मतलब अभी तक शिवा ने उसको विश नहीं किया है। रात में 12 बजे के बाद भी वो काफी बार मैसेज टाइप किया उसको, रावी को विश करने के लिए, बट फिर उसने डिलीट कर देता है और मतलब करता है फिर डिलीट कर देता है। फिर वो खुद ही बोलता है अपने आप को कि अपने हाथ पे कंट्रोल रख शिवा, मतलब उसने फाइनली विश नहीं किया। रात में रावी बहुत वेट करती रह गई। नेक्स्ट डे भी जब उन लोग मंदिर में मिलते हैं, तभी भी वो यही सोचती है कि मतलब वो उसको विश करेगा, बट उसने उसको विश तभी भी नहीं किया। लेकिन विश किया भी तो एक नए मतलब उसमें अंदाज में, अपने अंदाज में, मतलब शिवा के अंदाज में, मतलब उसने विश भी किया, मतलब उसको बोला कि हैप्पी बर्थडे। फिर उसके बाद वो उसे देखी, तो उसके बाद उसने कह दिया कि नहीं बोलूंगा, मतलब उसने विश भी कर दिया, फिर बाद में ये भी बोल दिया कि मैं नहीं बोलूंगा। मतलब उसकी जो अकड़ है वो तो मतलब वो छोड़ नहीं सकता है ना। तो मतलब काफी अच्छा एक मोमेंट हम लोगों को आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग मिस कर रहे थे। तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा उसे देख के। और ये मतलब मुझे ये देखना आज के एपिसोड में बहुत अच्छा लगा, जब दोनों एक दूसरे को मिस करते रहते हैं। मतलब इतनी बड़ी पार्टी रावी के लिए थ्रो की गई है, मतलब फिर भी वो वहां पे शिवा को ही ढूंढ रही है, शिवा को मिस कर रही है। दूसरी तरफ शिवा भी है, वो मतलब रावी के लिए परेशान हो रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें वो सोचता है, जो कि आपके आपको एपिसोड में देखने को मिलेगा। हालांकि जो भी था, मतलब उसने गलत तो किया ही है और उसे सॉरी बोलना भी चाहिए, बट वो उसे सॉरी बोल ही नहीं रहा है। तो फिर अब आपको क्या लगता है कि रावी को वो सॉरी बोलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि बोलना चाहिए, मे बी अपने अंदाज में बोले वो उसे। और मतलब रावी जो है वो तो कब से वेट कर रही है कि कब उसको वो सॉरी बोले, फिर वो कब घर जाए। तो मतलब बहुत जल्द हमें ये इस टाइप का कुछ देखने को मिलने वाला है। और ये कंगन वाला ट्विस्ट भी मतलब कुछ दिनों में, एक या दो दिनों तक चलेगा, उसके बाद तो सॉल्व हो ही जाएगा, मतलब हो सकता है नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन ये शिवा और रावी का जो मतलब कनेक्शन है, ये दूरी और ये सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे की चीज़ों को समझ रहे हैं और दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि मतलब ये देखना भी एक अलग तरीके का मतलब अच्छा लगता है। हमेशा पास पास रह के और प्यार भरी मूवमेंट देते हैं, मतलब इन लोग देते तो है नहीं, लेकिन आगे देंगे। लेकिन एक जो मतलब प्यार में जो जुदाई होती है ना, दोनों जो अलग अलग हुए हैं ना, वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। उसके बाद उन दोनों को काफी अच्छा एक दूसरे की वैल्यू पता चलेगी, एक दूसरे के लिए मतलब दोनों फील कर रहे हैं, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। तो फिर काफी अच्छा लगेगा ये देखना आगे भी। और नेक्स्ट प्रोमो में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल ये वीडियो शिवी के लिए थी, तो इसमें शिवी के ही बारे में। आप लोगों को क्या लग रहा है कि मतलब शिवा आया तो है उसके बर्थडे में, बट वो मामी को उठा के लेके जाने के लिए आया है। क्या उसने रावी को अच्छे से विश किया? मतलब आपको क्या लगता है कि आगे के एपिसोड में, मतलब हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में ये देखने को मिल सकता है? अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट करिए, और आप लोग क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। फिलहाल इन दोनों की बॉन्डिंग एंजॉय करिए, और इंस्टा पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।